हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी की बुक का नाम देखिए नियति। नियति में मैंने आपको आज लेसन वन, लेसन का नाम है जो हम करते हैं अपनी तकदीर। इसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने बारे में बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपने राष्ट्र का भविष्य बना सकते हैं, है ना। मैं आपको इसकी पोयम एक बार और रिवीजन करवाती हूँ, इसके बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे नोट करवाऊंगी, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। आप लोगों की पोयम बहुत अच्छे से लर्न भी करनी है। अपने नन्हे हाथों से हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर, बंद हमारी मुट्ठी में अपने जीवन की तस्वीर। राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, मानव नया बना सकते हैं। हम न रुकेंगे, सदा बढ़ेंगे, तोड़ बंधनों की जंजीरें। हमें न छोड़ो, हमें न तोड़ो, हमें न जंजीरों में जकड़ो। हम भी अनुभव करते हैं अपना सुख दुख अपनी पीर। हमें स्वतंत्र छोड़ो, हमें न रोको, हमें भी पता है अच्छा बुरा। हम भी जानते हैं अपना पराया, इसलिए तो कहते हैं भारत प्यारा। आप लोगों को ये पोयम की 6 लाइन या 8 लाइन बहुत अच्छे से याद करनी है, और आप लोगों को इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक पर भी नोट करना है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगी, उन्हें आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक पर नोट करना है। चलिए अब मैं आपको इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगी, जो कि आप लोगों को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है और पढ़ पढ़ के ही आपको लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ। बालक अपने नन्हे हाथों से क्या गढ़ते हैं, और लिखने के बाद में हमें इसे पढ़ना भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बोला कुछ और लिख कुछ दिया। तो बालक अपने नन्हे हाथों से क्या गढ़ते हैं, तो देखिए उत्तर में क्या गढ़ते हैं वो अपने नन्हे हाथों से, तकदीर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, हमारी मुट्ठी में क्या बंद है, क्या बंद है। देखिए हमारी मुट्ठी में क्या बंद है, क्या बंद है बच्चों की मुट्ठी में, जीवन की तस्वीर। जीवन की तस्वीर से क्या तात्पर्य है कि बच्चों के मन में है कि हम बड़े होकर के, कोई कहता हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, कोई कहता हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो ये क्या है उनके मन में आगे क्या बनने की चाहना है, वो अपने जीवन की तस्वीर उनकी मुट्ठी में बंद है। हम क्या क्या नया बना सकते हैं,
करते हैं। देखिए कैसे वो नया बना सकते हैं देश को और मानव को। जब वो जो मानव है जिनकी वो विचार बदल सकते हैं अपने विचारों से, तो जब उनके विचार बदल जाएंगे तो वो नया मानव हो जाएगा। और यदि वो देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उनका देश और मानव दोनों ही नया बन सकता है। आप देख रहे हैं ना, नित्य प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते हैं। हम किस प्रकार का अनुभव करते हैं, हम किस प्रकार का अनुभव करते हैं, हम अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं, हम अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं। नन्हे होकर भी हम नन्हे होकर भी तन मन से कैसे हैं, तन मन से कैसे हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों को मालूम है ना कि आप लोगों का तन और मन दोनों बहुत कोमल होता है ना। कोई भी दूसरे के प्रति कोई भी घृणा देश भावना कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों का मन जो है बहुत कोमल होता है। देखिए हम नन्हे होकर भी हमारा तन और मन, हमारा तन और मन देखिए उत्साह स्वतंत्र विचारों विचारों से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है आप लोगों का मन उत्साह और स्वतंत्र विचारों से, क्योंकि आपके मन में ना ही तो किसी के प्रति अपना पराया है, ना ही कोई ज्वेल्स की भावना ईर्ष्या की भावना है और ना ही आपको ऊंच नीच का कोई भेदभाव है। इसलिए आपका मन जो है तन और मन नन्हे होना, इसलिए आपका तन और मन उत्साह और स्वतंत्र विचारों से भरा हुआ है। क्योंकि जब व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसकी जो अभिलाषा है वो दिन पर दिन और बढ़ती जाती हैं। इसलिए भी आप जो छोटे हो तो
तो आप अपना सुख दुख तो अनुभव करते हो, लेकिन आपका तन मन जो है वो उत्साह स्वतंत्र विचारों से भरा हुआ है। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है, इन्हें सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक पर नोट करना है। चलिए आप लोग भी नोट कीजिए, राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोगों ने सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको आपकी बुक में दिए हुए विलोम शब्द लिखवाऊंगी। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ। जैसे कि मान लिए हमने बोला अपना का पराया, लाभ का हानि, सच का झूठ, यानी कि उसके विपरीत जो अर्थ निकलता है वो विलोम शब्द कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है हमने जीवन, जीवन का उल्टा अर्थ क्या होगा? मरण होगा कि नहीं? जीवित का मृत्यु होता है ना, उसी तरह जीवन का मरण। नवीन, नवीन मीन्स क्या होता है? नया। और प्राचीन मीन्स पुराना। नवीन मीन्स नया, नया का पुराना होता है, तो यानी कि नवीन का प्राचीन। अच्छा, अच्छा का बुरा। देखिए विपरीत अर्थ निकल रहा है, उल्टा अर्थ निकल रहा है ना। अपनी, अपनी का पराई, अपनी का पराई। देख लीजिए सुख का दुख। यदि हमारे पास सुखी सुख होगा तो हमें दुख का एहसास नहीं होगा, इसलिए हमारे सुख के साथ में दुख भी आता है। देखिए बंद का खुला, बंद का खुला। लर्न कीजिए जीवन का मरण, नवीन का प्राचीन, अच्छा का बुरा और अपनी का पराई, सुख का दुख और बंद का खुला हुआ। आप लोगों को प्रश्नोत्तर और विलोम शब्द अच्छे से लर्न भी करना है, यानी कि याद करना है, और इन्हें आप लेसन पार्ट ए हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर पार्ट का नाम डालिएगा। और सुंदर सुंदर राइटिंग में मैंने शब्द अर्थ लिखवाए हैं, शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये आप लोगों को सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है। और साथ में 8 लाइन की कविता भी
भी लिखनी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।